वेल, अगर आप लोग एडम कोपलैंड के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के अंदर एडम कोपलैंड का रिटर्न डेट कंफर्म हो चुका है। AEW में केनी ओमेगा के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर एक और मैच ने 5-स्टार रेटिंग ब्रेक कर दिया है। तो गाइज, वही कल होने वाले फॉलोआउट कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे AEW के फुल गियर पेपरव्यू के स्टार रेटिंग की। वेल गाइज, AEW के फुल गियर पेपरव्यू के 4 दिनों के बाद अब फाइनली यहां पर AEW के फुल गियर पेपरव्यू को लेकर ऑफिशियल स्टार रेटिंग सामने आ चुकी है। और बात करें पेपरव्यू के मैचेस की रेटिंग की, तो AEW के फुल गियर पेपरव्यू के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप मैच को 2.25 रेटिंग मिली गए, MJF वर्सेस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के मैच को 3-स्टार रेटिंग मिली गए, मर्सिडीज मून वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर के मैच को 4.5 रेटिंग मिली गए, हैंगमैन एडम पेज वर्सेस जे वाइट के मैच को 4.25 रेटिंग मिली गए, डैनियल गार्सिया वर्सेस जैक पेरी के मैच को 3.75 रेटिंग मिली गए, रिको सेट वर्सेस कोनोशुके टेकेशिता के मैच को 4.25 रेटिंग मिली गए, बॉबी लेस्ली वर्सेस स्वर्व स्टिकलिन के मैच को 3.75 रेटिंग मिली गए, और शो के मेन इवेंट जॉन मॉक्सली वर्सेस ऑरेंज कैसिडी के मैच को 4-स्टार रेटिंग मिली गए। बट गाइस, यहां पर इन सभी मैचेस के अलावा AEW के फुल गियर पेपरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर के मैच को डेव मेल्जर ने एक बार फिर से 5-स्टार से ज्यादा रेटिंग दे दी गए, और मेल्जर के द्वारा ऑस्प्रे वर्सेस फ्लेचर इस मैच को 5.25 रेटिंग दिया गया है, जो यहां पर AEW के फुल गियर पेपरव्यू का हाईएस्ट रेटेड मैच है। और सिर्फ यहां पर 2024 के अंदर मेल्जर ने अब तक करीबन ऑस्प्रे के 12 मैचेस को 5-स्टार रेटिंग दी गए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रेटिंग है। वेल, आपको क्या लगता है, विल ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर के मैच को 5.25 रेटिंग मिलना आपके हिसाब से डिजर्व करता है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार रिकी स्टार की। गाइस, यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिकी स्टार के रिसेंटली GCW पर अपीयर होकर AEW को मॉक करने के बाद, और GCW के रेसलर के द्वारा AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान और उनके फादर को मॉक करने के बाद, अब AEW कंपनी ने GCW रेसलिंग के अंदर रिकी स्टार को बैन कर दिया है, और GCW के अंदर रिकी स्टार के आने वाले सारे अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया है। और यही रिकी स्टार के शॉकिंगली सारे अपीयरेंस कैंसिल होने के बाद अब GCW के ओनर ने फाइनली AEW के GCW के साथ रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर GCW के ओनर का यह कहना है कि पिछले 5 सालों के अंदर GCW के अंदर AEW के बहुत सारे रेसलर काम कर चुके गए, और AEW के करीबन 100 से भी ज्यादा रेसलर AEW के बाहर GCW के शो के ऊपर आगे पीछे अपीयर हो चुके गए। बट AEW कंपनी ने जिस तरीके से रिकी स्टार के अपीयरेंस को कैंसिल किया है, वो देखकर GCW के ओनर काफी शॉक है, क्योंकि GCW के ओनर का ये कहना है कि वो जब भी किसी AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को उनके शो के ऊपर बुक करते गए, तो वो यहां पर रेसलर को बुक करने के लिए AEW के मैनेजमेंट से बात नहीं करते गए, और GCW कंपनी AEW के जिस भी रेसलर को बुक करती गए, GCW पर्सनली यहां पर रेसलर से बातें करती गए, ना कि कंपनी से, और इसीलिए GCW रेसलिंग को ऑफिशियली यहां पर AEW कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं गए, और बिना बात का AEW कंपनी को GCW में रेसलर्स को अपीयर ना होने देना GCW कंपनी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं गए। और गाइस, यहां पर GCW के ओनर एंग्री होकर बोलते गए कि AEW कंपनी से जब GCW डायरेक्ट डील नहीं करती गए, तो AEW कंपनी रिकी स्टार्क और उनके मामले में क्यों इंटरफियर कर रहे गए, और GCW के ओनर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि टोनी खान बिना बात के AEW के रेसलर को GCW के शो पर जाने से क्यों रोक रहे गए। वेल गाइस, मैं यहां पर इन फालतू बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस यहां पर डेफिनेटली AEW के अंदर रेसलर्स की पहली प्रायोरिटी AEW कंपनी गए, और अगर यहां पर AEW के रेसलर AEW के जगह आलतू फालतू शो पर जाकर फालतू बातें करेंगे, तो कंपनी को उनको रोकने का पूरा हक है। वेल, आपको क्या लगता है, AEW कंपनी को और रेसलर्स को इंडी रेसलिंग से पुल करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम कोपलैंड के AEW पर रिटर्न होने की। गाइज, यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एडम कोपलैंड के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर ब्रोकन फुट इंजरी के बाद एडम कोपलैंड पिछले 6 महीनों से आराम कर रहे थे,
और अब यहाँ पर एडम कोबलन की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और एडम कोबलन के मेडिकली क्लियर होने के बाद अब AEW के अंदर वो यहाँ पर किसी भी समय के ऊपर रिटर्न कर सकते गए। वेल गाइस, यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि एडम कोबलन AEW के अंदर हमें यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे और एडम कोबलन का AEW रिटर्न अब से यहाँ पर करीबन एक महीने के अंदर होने वाला है, जहाँ पर AEW कंपनी जनवरी के अंदर जब उनका पहला शो HBO मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी तो HBO मैक्स के उसी शो के ऊपर एडम कोबलन का रिटर्न कराया जाएगा, जिससे कि AEW कंपनी को थोड़ी हाइप मिलेगी और बेसिकली जनवरी में AEW कंपनी जो स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन शो करने वाली है उसी शो के ऊपर AEW कंपनी 1 जनवरी को एडम कोबलन के रिटर्न को प्लान कर रही है। वल देखना दिलचस्प होगा कि 1 जनवरी को एडम कोबलन के रिटर्न के ऊपर AEW कंपनी को क्या कुछ हाइप मिलती है। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं केनी ओमेगा के AEW रिटर्न को लेकर भी WON का मेजर स्टेटमेंट सामने आ रहा है। गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि वैसे तो केनी ओमेगा को NJPW की मेडिकल टीम ने क्लियर कर दिया है और ओमेगा टोक्यो डोम के अंदर 100% रेसल करेंगे, बट जहां तक बात रही ओमेगा के AEW करियर की, तो केनी ओमेगा के AEW करियर के अंदर अब यहां पर आने वाले टाइम में काफी सारे चेंजेस होने वाले गए और पिछले 5 सालों से केनी ओमेगा जिस लेवल पर AEW पर कंपीट कर रहे थे, केनी ओमेगा अब यहां पर उस लेवल पर कंपीट नहीं करेंगे, क्योंकि केनी ओमेगा पर्सनली ये बिलीव करते गए कि उनकी बॉडी अब यहां पर पहले की तरह नहीं गए और वो यहां पर अगर रैंडम डायनामाइट पर रैंडम मैचेस लड़ेंगे तो उनकी बॉडी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली गए और इसीलिए केनी ओमेगा की इंजरी से रिटर्न होने के बाद वो AEW के अंदर जब इनिशियली रिटर्न करेंगे तो वो यहां पर पार्ट टाइमर के तौर पर रसल करने वाले गए और अगर यहां पर उनके पार्ट टाइमर के तौर पर रसल करने के बाद भी उनकी बॉडी यहां पर बिल्कुल सही रहती गए तभी वो यहां पर AEW के अंदर रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, बट अगर यहां पर उनकी बॉडी सही नहीं रहती गए तो वो AEW के अंदर पहले के मुकाबले बहुत ही कम मैचेज रसल करने वाले गए। वेल, मैं यहां पर ओमेगा की डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भले ही ओमेगा की बॉडी कैसी भी गो, केनी ओमेगा को AEW के रैंडम डायनामाइट पर फालतू टैग मैचेज लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं गए और AEW कंपनी को केनी ओमेगा को AEW में ब्रॉक लेसनर की तरह बुक करना चाहिए, जो यहां पर AEW के लिए स्पेशल अट्रैक्शन बन सकता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइस, बात करें अगर यहां पर AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल होने वाला AEW का सैटरडे नाइट कोलिजन शो AEW कंपनी लाइव ना करके बल्कि प्री रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट करेगी, क्योंकि इस हफ्ते शिकागो में विंटरेस्ट अरीना में डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना में AEW ने कोलिजन को टेप किया था और वही टेप कोलिजन शो कल यहां पर AEW कंपनी ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। बट बात करें कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर लुचा लिब्रे सुपरस्टार मिस्टिको AEW पर रिटर्न करके प्राइवेट पार्टी के साथ टीम अप करेंगे, जो यहां पर MXM कलेक्शन जॉनी टीवी को फेस करने वाले गए। AEW के टैग टीम दी आउट रनर एक्शन में होगी, जो यहां पर आयरन सेवेज को फेस करेगी। AEW के वुमेन डिवीजन से मीना शिराकावा एक्शन में होंगी, जो यहां पर लायला ग्रे को फेस करेंगी। तो वहीं AEW सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज भी एक्शन में होंगे, जो यहां पर व्हीलर युता को फेस करेंगे। AEW सुपरस्टार काइल फ्लेचर एक्शन में होंगे, जो यहां पर 20 मोटोज को फेस करने वाले गए। तो वहीं यहां पर विल ऑस्प्रे भी कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर हमें यहां पर सुपर एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर जूस रॉबिन्सन को फेस करेंगे। और AEW के करंट रैंकिंग कॉन्टिनेंटल चैंपियन काजुचिका ओकाडा भी कल यहां पर टूर्नामेंट के अंदर रसल करेंगे, जब वो न्यू TNT चैंपियन डेनियल गार्सिया को फेस करेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन के कॉन्टिनेंटल क्लासिक मैच के अंदर कल यहां पर गार्सिया और ओकाडा में से कौन जीतता है। वल आप यहां पर AEW के फॉलोआउट कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।